लक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। भक्तों, आज हम माता लक्ष्मी की महिमा का वर्णन करेंगे। माता लक्ष्मी एक ऐसी देवी हैं कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से इनका ध्यान लगाता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देती हैं। भक्तों, माता लक्ष्मी की अनेकों ही रोचक कहानियाँ हैं, उनमें से कुछ कथाओं का वर्णन हम यहाँ करेंगे। माता लक्ष्मी को धन धान्य की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष प्रावधान है। अक्षय तृतीया व दीपावली के दिन लक्ष्मी ओम गणेश जी का पूजन किया जाता है। भक्तों, माता लक्ष्मी जिन भक्तों पर कृपा करती हैं, उनके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता लक्ष्मी के कुछ चमत्कारों की ये रोचक कहानियाँ। श्री चरणों में करके वंदन करते हैं हम महिमा वर्णन। माता लक्ष्मी कृपा करना, धन के भंडारे भरना। जिन भक्तों पर हो तेरी कृपा, टिक नहीं सकती वहाँ दरिद्रता। जो सच्चे हो भक्त तुम्हारे, कुछ आज सुनाई। भक्तों सुनो लगा कर ध्यान, लक्ष्मी मैया का गुणगान। भक्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार व साहूकारनी रहते थे। उनके तीन बेटे थे। साहूकार बड़ा ही धर्मपरायण था। रोज सुबह उठकर स्नान आदि करता और सूर्य को जल देता तथा माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करता। ऐसा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ यदि हम नारायण को भी पूजते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, तो उससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। भक्तों, साहूकार का गुजर बसर बड़े ही आराम से हो रहा था। साहूकार को हमेशा साफ सफाई पसंद थी। भक्तों, उसके ही विपरीत साहूकारनी बड़ी ही आलसी थी। वो ना तो सुबह जल्दी उठती, ना ही साफ सफाई पर ध्यान देती। घर में झाड़ू पोछा तक नहीं करती थी। भक्तों, साहूकार उसे समझाता कि घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, किंतु साहूकारनी पर उसकी बातों का कोई असर ना होता था। भक्तों, साहूकार की जो है पत्नी, वो तो आलसी जाने कितनी। सो कर ना कभी उठे सवेरे, साहूकार ने बड़ी समझाई, रखनी चाहिए साफ सफाई। जिनका घर हो सुथरा साफ है, रोज सवेरे तुम उठ जाओ, स्नान करो, बच्चों को कराओ, स्वच्छ हो घर का चूल्हा चौका, भोजन पकाओ। काम पे वो चला जाए कहकर, ताले दे कोई बहाना बना कर। कहती मेरी नींद न खुलती, वो तो करती गलती। भक्तों, इस प्रकार साहूकार की पत्नी साहूकार की बातों को टाल देती। वो ना तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और ना ही बच्चों को कराती। उसका घर बहुत ही गंदा रहता। पड़ोस की औरतें भी उसके घर में ना आती थी। भक्तों, क्योंकि साहूकारनी घर को साफ सुथरा नहीं रखती थी। बच्चे भी मैले कुचैले कपड़ों में रहते थे। भक्तों, पड़ोस के भी बच्चे उनके साथ खेलने से मना कर देते। धीरे धीरे साहूकार के घर में दरिद्रता आने लगी थी। भक्तों, उसका काम धंधा भी ठप होने के कगार पर था। साहूकार उसे समझाता कि यह तेरी साफ सफाई ना करने के कारण ही हुआ है। साहूकारनी पर फिर भी कोई असर ना हुआ। फिर साहूकार ने
माँ लक्ष्मी से विनती की कि हे माता, आप ही से सद्बुद्धि दें। और एक दिन भक्तों चमत्कार ही हो गया। साहूकारनी बाजार से कुछ सामान खरीद कर ला रही थी भक्तों। आते आते उसे अंधेरा हो गया, किंतु उसने हाथ में लालटेन दे रखी थी। रास्ते में उसे एक औरत मिली और कहने लगी, सुन लो बहना, मैं हूँ अकेली, मुझको समझो अपनी सहेली, अपनी लालटेन मुझे दिखाओ और रास्ता पार कराओ। चलते चलते हुआ अंधेरा, ना कोई संगी साथी मेरा, मुझे रास्ता पार कराओ बहना, एहसान तेरा हो। कहने लगी ये साहूकारिणी, तुमको पहले कभी देखा नहीं, कहाँ से आई और क्या नाम है, क्या तुम्हें काम है। वो बोली, मेरा नाम लक्ष्मी, पास के गाँव में रहती है, साहूकारनी ने अपनी लालटेन की रोशनी में उस औरत को रास्ता पार करा दिया। रास्ते में बातें होती रही। साहूकारनी बोली, बहन तुम कौन हो और इस गांव में क्या करने आई हो। वो औरत कहने लगी, भक्तों मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ, यहाँ मेरी बहन ब्याही है, किंतु चलते चलते मुझे अंधेरा हो गया, तो अपनी सहेली समझकर मुझे रास्ता पार करा दो। साहूकारनी ने लालटेन की रोशनी में रास्ता पार करा दिया भक्तों। दोनों आपस में सहेली बन गईं। तब माता लक्ष्मी बोली, बहन तुम कभी मेरे घर आना। और साहूकारनी को अपने घर का पता देकर चली गई भक्तों। अगले दिन साहूकारनी माता लक्ष्मी के घर गई और देखा कि घर में बड़ी ही साफ सफाई है। साहूकारनी माता लक्ष्मी से कहने लगी, माँ लक्ष्मी के आई घर में, साहूकारनी लगी है कहने, बड़ी है घर में साफ सफाई, खुदी की है या करवाई। माँ लक्ष्मी कहने लगी, बहना स्वच्छ चाहिए घर सदा रहना, घर में होती इससे बरकत रहे, साफ सुथरा घर तब तक। साहूकारनी लगी है कहने, ऐसी सफाई ना मेरे घर में, कभी तुम मेरे घर में आना, यही सिखाना। अगला दिन जब भी है आया, महालक्ष्मी को घर में बुलाया, माता लक्ष्मी जब है आई, नाती घर में साफ सफाई। भक्तों इस तरह साहूकारनी के कहने पर माता लक्ष्मी उसके घर में आई और देखा, ना तो घर में झाड़ू पोछा किया है और ना ही साफ सफाई है भक्तों। बच्चों ने भी मैले कुचले कपड़े पहन रखे हैं। माता लक्ष्मी कहने लगी, बहना चलो तुम घर की साफ सफाई करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से घर साफ रखा जाता है। माता लक्ष्मी साहूकारनी को बताती गई और साहूकारनी ने पूरे घर की साफ सफाई की और खुद भी स्नान करके साफ कपड़े पहने और बच्चों को भी स्नान कराकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए। फिर गोबर से लिपाई करी, चूल्हा चौका किया और माता लक्ष्मी के लिए भोजन भी बनाया भक्तों। इस तरह माता लक्ष्मी उसके घर रोज आने लगी थी भक्तों। साहूकार देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसका कारोबार भी चल निकला। जब साहूकार की हालत ठीक होने लगी तो पड़ोस की औरतों ने देखा, साहूकारनी के घर ये कौन औरत आती है। एक पड़ोसन आकर बोलने लगी, कौन सहेली तुमने बनाई जो करवाती साफ सफाई, पहले तो हमने है देखा। साहूकारनी ने बतलाया, लक्ष्मी ने मुझको ये सिखाया, उससे सीखा मैंने सलीका, के पड़ोसन बोली, जो है बहना तेरी सहेली, उसको कल घर में ठहराना, हमसे भी उसको मिलवाना। बोली साहूकारनी ने उससे, कल मिलवा
जब माता लक्ष्मी साहूकारनी के घर आई तो साहूकारनी बोली, बहन लक्ष्मी तुम आज मेरे घर रुक जाओ। माता लक्ष्मी कहने लगी, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं रुकती, फिर तुम्हारे घर कैसे रुक जाऊं। पर साहूकारनी उसी हाथ पकड़कर बलपूर्वक चौकी पर बिठा दिया। तब माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए भक्तों। उस दिन के बाद से साहूकार के घर में धन धान्य की कोई कमी ना रही और साहूकारनी भी माता लक्ष्मी के भक्त बन गए भक्तों। और घर में रोज साफ सफाई करके माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। इसी तरह भक्तों माता लक्ष्मी के चमत्कार की एक और कथा है, आइए श्रवण करते हैं। माँ लक्ष्मी की ये है कहानी, कथा है भक्तों बड़ी पुरानी। किसी गांव में एक मंदिर था, पुराना माँ लक्ष्मी का। सरिता नामक एक थी कन्या, काम है जिसका फूल बेचना। माँ लक्ष्मी मंदिर के बाहर बैठे अपनी दुकान लगाकर। माता पिता है ना सरिता के, घर में उसके मामा फूल बेचकर ही अपना गुजारा किया करते थे। मामा फूल खरीद कर लाता और माला बनाकर सरिता को दे देता, जिन्हें सरिता माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर बेचा करती थी। वो खाली समय में मंदिर की साफ सफाई भी करती और सुबह शाम माता लक्ष्मी की आरती में शामिल होती थी भक्तों। एक दिन एक सेठ जी आया और कहने लगा, मेरी बेटी की शादी है, घर को सजाने के लिए बहुत से फूल चाहिए। सरिता कहने लगी, सेठ जी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो आपके घर के लिए फूल ला सके। पास में फूल बेचने वाला कोई और ना था तो सेठ जी ने कुछ रुपया सरिता को दिया और कहने लगा, मेरी बेटी की शादी में फूलों की माला बनाकर ले आना। सरिता ने अपने मामा को बताया और सेठ जी का दिया हुआ रुपया अपने मामा को दे दिया। जब बेटी की शादी का दिन आया तो सरिता का मामा बहुत सारे फूल खरीद कर उनकी मालाएं बनाकर एक बैलगाड़ी में लेकर चल दिया भक्तों। साथ में सरिता भी थी, किंतु रास्ते में बहुत कीचड़ था, उनकी बैलगाड़ी धंस गई। निकालने का प्रयास किया पर निकली नहीं भक्तों। कुछ गांव वालों को बुलाकर धक्का लगवाया तो बैलगाड़ी ही पलट गई और सारे फूल कीचड़ में गिर गए थे भक्तों। सरिता और उसका मामा बहुत ही उदास हुए और सेठ जी से जाकर माफी मांगने लगे थे भक्तों। कहने लगी, हम फूल तो लाए, सबकी बना दी थी मालाएं, किंतु गिर गए सबकी चढ़ में। क्रोध बढ़ा, उस सेठ को आया, बोला मेरा पैसा है खाया, अब मैं किससे फूल मांगाऊं। सुनकर दोनों डर गए, वो चुपचाप ही अपने घर गए। क्रोध सेठ का भी तो चित है, अयोनी ने दी दस्तक है। सुबह सरिता जब मंदिर आई, अपनी दुकान है बिखरी पाई, जिसे सेठ ने तोड़वा दिया है, भर बदला लिया है। भक्तों, सेठ जी ने जैसे तैसे अपनी लड़की की शादी तो कर दी, अगले दिन सरिता की दुकान को भी तुड़वा दिया और मंदिर के पुजारी को कहा, यदि उस लड़की और उसके मामा ने यहाँ फूल बेचे तो तुम्हें भी मंदिर में नहीं रहने दूंगा। जैसे ही सरिता दुकान पर आई भक्तों, तो उसने देखा कि दुकान तो टूटी ही पड़ी है। वो समझ गई सेठ ने ही तुड़वाई होगी। वो परेशान होकर माँ लक्ष्मी के मंदिर में गई और माँ लक्ष्मी से माफी मांगने लगी। कहने लगी, हे माँ लक्ष्मी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हम फूल तो खरीद कर लाए थे किंतु सब कीचड़ में गिर गए। अब सेठ जी ने मेरी दुकान भी तुड़वा दी, हमारा पेट
कैसे पलेगा, गुजारा कैसे होगा। इतनी देर में पुजारी आकर बोला कि तुम आज के बाद मंदिर में मत आना, नहीं तो सेठ जी मुझे भी नहीं रहने देंगे। इतना सुनकर सरिता बहुत मायूस हो गई थी भक्तों और अपने मामा के साथ घर आ गई। अगले दिन जब पुजारी मंदिर गया तो मंदिर के पट भी नहीं खुले। पुजारी ने गांव वालों को बुलवाकर पट खोलने की कोशिश की किंतु पट नहीं खुली। थक हार कर सब वापस लौट गए थे भक्तों। ऐसे 3 दिन बीत गए हैं, मंदिर के पट नहीं खुले हैं, पुजारी तो हो बड़ा परेशान है। ग्रामवासी बड़े हैरान हैं। पुजारी को फिर सपना आया, माता लक्ष्मी ने जी। और मंदिर के पुजारी दोनों ने सरिता और उसके मामा से क्षमा याचना की। पुजारी कहने लगे, बेटी जब तक तुम जाकर मंदिर के पट नहीं खोलोगी तब तक मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। इतना सुनकर सरिता, पुजारी और सेठ जी के साथ माता लक्ष्मी के मंदिर पर सरिता ने ज्यों ही द्वार पर हाथ रखा, पट अपने आप खुल गए थे भक्तों। सरिता बड़ी ही प्रसन्न हुई और पुजारी तथा सेठ ने महालक्ष्मी से माफी मांगी। ऐसी ममता मई है माता। इसी प्रकार भक्तों, माता लक्ष्मी के चमत्कार की एक और कथा सुनाते हैं आपको। किसी गांव में एक किसान है और उसकी 2 ही संतान है, दोनों ही हैं उनके बेटे। कर दी है शादी, घर में 2 बहुएं भी आ गई, बड़ी सुशील और छोटी चालाक है। किस्मत के हाथ है। किसान है माँ लक्ष्मी का पुजारी, उसको नहीं ये है जानकारी, दोनों को ही रखे बराबर। किसान अपने बेटों के साथ मिलकर खेती करता, वो जब भी फसल बेच कर आता अपनी दोनों बहुओं को बराबर बराबर हिस्सों में धन देता। कुछ धन वो माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देता। बड़ी बहू बहुत ही सुशील और गुणवान थी, इसके विपरीत छोटी बहू बहुत ही चालाक थी भक्तों। वो देखती कि उसका ससुर माता लक्ष्मी के मंदिर में पैसे रखता है, अब किसान चला जाता है तो छोटी बहू मंदिर में रखे हुए धन से कुछ धन चुरा लेती। एक दिन किसान ने देख लिया भक्तों, उसने किसी से इस बात का जिक्र ना किया और हाथ जोड़कर महालक्ष्मी से प्रार्थना की कि हे माता, मेरी छोटी बहू को सद्बुद्धि देना। इतना कहकर अगले दिन वो खेती करने चला गया भक्तों। तभी एक बुढ़िया ने उनके घर पर दस्तक दी, दोनों बहुएं बाहर आई। बुढ़िया बोली, मुझे भूख लगी है, यदि तुम मुझे भोजन बनाकर दे दो तो मैं बदले में तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगी। बड़ी बहू बोली, हे माता मैं भोजन बनाकर लाती हूँ। छोटी बहू बोली, माता मैं भी आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। दोनों बहुओं ने बुढ़िया को भोजन कराया। छोटी बहू ने खीर बनाई, हलवा और पूरी भी लाई, बड़ी बहू जो लाई भोजन बिल्कुल साधारण। दोनों बहू ने जो भी पकाया उसने है बड़े प्रेम सिखाया, भोजन करके लगी वो जाने। करा दिया है आशीर्वाद ना हमें दिया है, अपने
के जाने लगी। तो छोटी बहू ने बोला कि आपने बोला था कि हमें मनचाहा आशीर्वाद देंगी। तब बुढ़िया बोली, हाँ मुझे याद है, तुम्हारे पास जितने गहने जेवर और धन है एक मटकी में रख कर ले आओ, मेरे आशीर्वाद से वो धन दुगना हो जाएगा। दोनों बहुएं अपने अपने जेवर और रखा हुआ धन मटकी में डालकर लाई। बुढ़िया ने दोनों मटकियों पर अपना हाथ रख दिया। बड़ी बहू की मटकी में तुरंत ही धन दुगना हो गया और छोटी बहू की मटकी मिट्टी से भर गई थी। भक्तों, छोटी बहू ये देखकर हैरान थी। वो कहने लगी, हे माता, मेरी मटकी तो मिट्टी से भर गई, जबकि मेरी जेठानी का धन दुगना हो गया। मैंने आपको अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और मेरी जेठानी ने तो साधारण भोजन करवाया, ये क्या चमत्कार है। तब बुढ़िया बोली, तुम्हारी जेठानी के पास जो धन है सारा मेहनत की कमाई का है, जबकि तुम्हारे पास जो धन है उसमें से कुछ धन चोरी का है। तुमने जो भोजन बनाया था वो चोरी के पैसों का है, इसलिए तुम्हारी मटकी में मिट्टी भर गई। छोटी बहू तुरंत हाथ जोड़कर बुढ़िया के चरणों में गिर गई थी भक्तों और बोली, हे माता, मुझे क्षमा करें। तब महालक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दे दिए भक्तों। इतनी ही शिक्षा दी काफी, छोटी बहू ने मांगी माफी, माता लक्ष्मी हो गई थी प्रसन्न। शिक्षा देती है ये कहानी, ना करना चोरी बेईमानी, छोटी बहू ने जैसा किया था आशीर्वाद उसे जैसा दिया था, फिर माता ने माफ किया है, उसका भी इंसाफ किया है। ईमानदारी तुम जो अपनाओ वैसा जैसा चाहो, रखना याद मैंने बात कही जो फिर तो ध्यान हुई वो। माता लक्ष्मी ने ली परीक्षा, छोटी बहू को मिल गई शिक्षा। तो भक्तों, इस प्रकार से किसान की बात माता लक्ष्मी ने सुन ली और बुढ़िया के रूप में आकर उसकी छोटी बहू को शिक्षा भी दे दी। उस दिन के बाद से छोटी बहू ने ईमानदारी का रास्ता अपनाया और घर पर कभी भी पैसों की हेरा फेरी ना की, वो भी अपने ससुर और जेठानी की तरह माता लक्ष्मी की भक्त बन गई। भक्तों, बोलिए लक्ष्मी माता की।